गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून एवरीबडी हेलो दोस्तों मेरा नाम है दीपांशु शर्मा मैं आपका रीजनिंग एजुकेटर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज़ बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अन एकेडमी कैसे हैं आप सभी सभी को राम राम नमस्कार प्रणाम राधे राधे सभी का स्वागत है इंडियाज़ बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर गाइज ये बड़ा ही शानदार सेशन है इस लॉजिक के बारे में एक्चुअली कोई बात ही नहीं कर रहा है ठीक है ना तो ये आज का लेटेस्ट पैटर्न रिसेंट पैटर्न ठीक है ना कोडिंग डिकोडिंग के अंदर नंबर कोडिंग और लेटर कोडिंग आजकल एक ट्रेंड है ठीक है ना और हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप एसएससी का को कोई भी एग्ज़ाम उठा लो आप रेलवे का को कोई भी एग्जाम उठा लो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी सीजीएल के एग्जाम हुए हैं ठीक है ना तो उनके अंदर भी आप लोगों से ये जो मैं आज आपसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ बड़ी शानदार तरीके से वो क्वेश्चन आपके सामने रखा जाता है और जिसको बहुत कम लोग क्रैक कर पाते हैं और फिर बाद में सोचते हैं कि यार हमारी कोडिंग रिकॉर्डिंग कहाँ खराब होगी हमने इतनी तो प्रैक्टिस की थी सर ने इतना तो हमें पढ़ाया था दिक्कत कहाँ रह गई तो साथियों कुछ लेटेस्ट पैटर्न होते हैं मतलब जो आजकल के ट्रेंडिंग में होते हैं मार्केट में होते हैं हमें उन पर भी काम करना चाहिए हमें उनकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए सबसे पहली बात अगर अभी तक आपने एन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं की हुई है तो डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके दीप सर कोड द्वारा वहाँ पर जितने फ्री क्लासेस हैं उनमें आप एनरोल कीजिए मैं आप लोगों को एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ हर रोज दो पैंतालीस पर ठीक है ना जो कि क्लास आज मेरी दो बचपन पर होने वाली है वैसे तो हर रोज दो पैंतालीस पर आप लोगों के लिए बड़ी ही प्यारी शानदार क्लास है रीजनिंग की जिसमें मैं ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करता हूँ ये क्लास टोटली फ्री क्लास है गाइज़ अनअकेडमी पर बहुत सारी क्लासेज फ्री होती हैं तो फ्री क्लासेस में एनरोल करने के लिए दीप सर कोड का यूज़ करें और गाइज़ कमिंग नाइनटीन्थ ऑफ सेप्टेम्बर ठीक है ना दोपहर बारह बजे अन पर आप लोगों को ये टेस्ट जरूर देना है उसके लिए पहले ही एनरोल करना है

तो वल दस परसेंट का डिस्काउंट मिलता है तो आप लोगों को वहां पर टेस्ट में एनरोल करना है क्योंकि आप लोगों के लिए बड़ा ही शानदार आप लोगों के लिए मैंने बैच चला रखा है कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स ऑन रीजनिंग एबिलिटी अगर आपको नहीं पता आपके पास अगर एस एग्जाम का सब्सक्रिप्शन है तो मेरा ये कोर्स आप अटेंड कर सकते हैं मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं हर रोज शाम साढ़े नौ बजे क्लास होती है हर रोज रात को साढ़े नौ बजे क्लास होती है दीपांशु शर्मा नाम सेन अकेडमी पर मेरा प्रोफाइल है प्रोफाइल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है तो आप लोग सर्च करके वहां फिर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तो चलिए सेशन को मैं बहुत लंबा नहीं बनाऊंगा ब्लैक मैजिक ट्रिक्स के अंदर एक स्पेशल लॉजिक आप लोगों से मैं डिस्कस करने आया हूं कोडिंग रिकॉर्डिंग का तो वो आप लोगों से मैं डिस्कस करना चाहता हूं तो आप लोगों ने थंबनेल पर क्वेश्चन देख लिया होगा ठीक है ना थंबनेल पर आपने क्वेश्चन देखा तो गाइज ये क्वेश्चन है आप लोग इस क्वेश्चन को करने में मतलब कितना टाइम ले रहे हैं एक तो ये बात है क्या आपको इस क्वेश्चन का लॉजिक पता है जरूरी बात ये भी है कि ये जो क्वेश्चन आपके सामने आया है क्या आपको इसका लॉजिक पता है आपको ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया जा रहा है ना इसका लॉजिक आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है ना क्योंकि ये लेटेस्ट पैटर्न है अगर आप लोगों को ये लॉजिक नहीं पता मतलब आप इस क्वेश्चन को नहीं क्रैक कर पाए तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं गाइज इस क्वेश्चन में ऑप्शंस का बहुत बड़ा रोल है देखो आप लोगों के एसएससी पैटर्न बेस्ड एग्जाम होते हैं ना जो एसएससी पैटर्न बेस्ड रेलवे ये जो एग्जाम होते हैं इनमें चार ऑप्शन आपके सामने होते हैं चार में से अगर आप तीन ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए तो जो बचा हुआ एक होगा आप उसको आंसर कर दोगे ऑब्वियसली है ना ऐसा होता है आप लोग ऐसा करते हो ऐसा होता ही है तो गाइज यहां पर ऑप्शंस का बहुत बड़ा रोल है इस कोडिंग में ऑप्शन का बहुत बड़ा रोल है जो लोग इस कोडिंग को क्रैक नहीं कर पाए तो दैट मीन्स वो वो नहीं जानते कि यार आजकल ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये चल रहा है मार्केट के अंदर तो चलिए मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या है और कैसे क्रैक करना था तो गाइज फैक्टर को फैक्टर को जो लिखा जा रहा है फैक्टर को जो लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है सिक्स थ्री फाइव वन फोर सेवन तो गाइज यहां पे एफ का कोड क्या है ए का कोड क्या है सी का कोड क्या है अभी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं और अगर मैं बात करूं लॉयंस की तो लॉयंस के अंदर जो कोड किया गया है वो कोड किया गया है नाइन टू एट फोर जीरो नाइन टू एट फोर जीरो तो हमें जो बताना है वो बताना है स्टाफ का कोड क्या होगा और हमें जो बताना है वो बताना है स्टाफ का कोड तो गाइज़ आप लोगों को एक बात बताई जाती है अगर आप लोगों ने कोडिंग रिकॉर्डिंग की क्लासेस अटेंड किए हैं अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी तो रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर भी बनी हुई है और वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर भी डेली मेरी क्लास शाम को सात बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर होती है आप लोग अटेंड किया करो आज भी है बड़े ही शानदार तरीके से तो गाइज़ मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को कोडिंग रिकॉर्डिंग की जब भी क्लास होती है तो एक चीज बताई जाती है कि जहां दो पेयर दिए गए हों जैसे दो पेयर दिए गए हैं जहां दो पेयर दिए गए हों वहां आप लोगों को एक बार कंपेयर करके अब देखो यहां पे आप डायरेक्ट कोडिंग लगा लो कंप्लीट क्रॉसिंग लगा लो आप लोग प्लेस वैल्यू लिख करके देख लो आप अपोजिट लेटर लिख करके देख लो आपको लॉजिक मिलेगा ही नहीं जी हाँ आप लोगों को लॉजिक नहीं मिलेगा यहाँ पर आप लोगों को ये जो दो पेयर दिए गए हैं ना कभी भी अगर दो पेयर दिए गए हो एक पेयर आपको दिया गया है फैक्टर को ये कोड करके दूसरा लॉयंस को ये कोड करके तो गाइज आपको जब भी दो पेयर दिए गए हों तो आप लोग आपस में जरूर कंपेयर करो जैसे इसमें एफ है वहाँ पर नहीं है इसमें ए है वहाँ पर नहीं है इसमें सी है यहाँ पर नहीं है इसमें टी है यहाँ पे नहीं है आप देखेंगे यहाँ पर आपका फैक्टर में ओ आता है तो लॉयंस में भी क्या आता है ओ आता है क्या आता है आता है आर देख रहे हो नहीं है अब गाइज अगर इन दोनों वर्ड्स के अंदर एक लेटर कॉमन है दैट इज एल दैट इज ओ ठीक है ना एक लेटर कॉमन है और वो कॉमन लेटर कौन सा है हमारा ओ तो यहां पर एक डिजिट भी आपको कॉमन नजर आ रही है और वो कॉमन डिजिट आपको क्या नजर आ रही है चार अब आप कहोगे सर इसमें तो ओ के नीचे चार है इसमें तो ओ के नीचे चार है पर इसमें ओ के नीचे चार नहीं है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो जो उसका कोड है वो उसी के नीचे लिखा जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है तो गाइज यहां पर हमें एक चीज क्लियर होती है इन दोनों वर्ड्स के अंदर ओ कॉमन है तो इन दोनों वर्ड्स के अंदर हमारे पास एक डिजिट कॉमन है और वो डिजिट कॉमन डिजिट क्या है हमारे पास चार है कॉमन डिजिट क्या है चार है इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई है तो एक बात आप लोगों को और यहां पर समझनी है देखो ये एक्सेप्शनल केस है ये एडवांस लेवल है या आप कह सकते हो ये न्यू पैटर्न है या लेटेस्ट पैटर्न है तो यहां पर आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि एल के लिए आई के लिए एन के लिए या एस के लिए ठीक है ना किस किस के लिए एल के लिए आई के लिए एन के लिए एस के लिए जो कोड होगा वो या तो नाइन या फिर टू या फिर एट या फिर ज़ीरो होने वाला है ठीक है ना गाइस एल आई एन एस अगर यूज़ किए जाएंगे तो एन नाइन टू एट ज़ीरो यूज़ किए जाएंगे और अगर एफ़ ए सी टी आर यूज़ किया जाएगा अगर हमारे वर्ड के अंदर हमें अगर कोड बनाना होगा किसका एफ का ए का सी का टी का आर का तो वो इनमें से कोई भी होगा इनमें से कोई भी होगा गाइस इतनी बात आप लोगों को क्लियर है अब आप लोगों को अपना आंसर बनाना है आंसर कैसे बनाना है ये ऑब्जर्व करके और ऑप्शन का ऑप्शन का रोल प्ले होता है यहाँ पर मतलब ऑप्शन की इंपॉर्टेंस है यहाँ पर मतलब ऑप्शन के साथ आप लोग चलेंगे तब जा कर के आप स्टाफ का कोड बना पाएंगे चलिए तो गाइज एक बात एकदम परफेक्ट क्लियर है अगर यहाँ पर एस आ रहा है ना अगर यहाँ पर एस आ रहा है तो लॉयंस में से सिर्फ एस लिया गया है में से क्या लिया गया है सिर्फ एस लिया गया है ना तो एल लिया ना आई लिया ना एन लिया तो क्या लिया है एस लिया तो गाइज वैसे ही नाइन टू एट जीरो में से कोई एक डिजिट ली जाएगी या तो नाइन लिया जाएगा या टू लिया जाएगा या एट लिया जाएगा या जीरो एक ही ली जाएगी ठीक है ना क्या ली जाएगी एक की डिजिट ली जाएगी नाइन टू एट जीरो में से तो गाइज मैं यहां पर देख रहा हूं कि यहां पर आप लोगों का नाइन भी ले लिया है एट भी ले लिया पहले ऑप्शन में तो नाइन और एट दोनों तो नहीं हो सकते उसके लिए क्या होना चाहिए था एल आई एन एस में से एल आई एन एस में से ठीक है ना एल आई एन एस में से दो लेटर लिए जाने चाहिए थे तो स्टाफ के अंदर सिर्फ एक लेटर लिया गया है विच इज एस और एस का कोड इन चारों में से है नाइन टू एट जीरो में से है पर कौन सा हमें नहीं पता लेकिन एक चीज पता है और वो क्या पता है कि स्टाफ के अंदर नाइन टू एट जीरो में से एक ही डिजिट यूज की जाएगी दो दो डिजिट यूज नहीं की जाएंगी जैसा कि पहले ऑप्शन में किया गया है तो इस ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया इस ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया क्लियर है और एक और बात क्लियर है भाई नाइन टू नाइन टू एट जीरो में से कोई एक डिजिट लेना कंपलसरी है ठीक है ना जैसे इस ऑप्शन में सी ऑप्शन में देखिए ना तो नाइन लिया गया है ना टू लिया गया है ना एट लिया गया है ना ही जीरो लिया गया है इसलिए हमने ऑप्शन सी को भी एलिमिनेट कर दिया गाइज हमने ऑप्शन बी को भी एलिमिनेट कर दिया कारण बता सकते हो हमने ऑप्शन बी को क्यों एलिमिनेट कर दिया हमने ऑप्शन बी को इसलिए एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इन दोनों पेयर को कंपेयर करके हमने एक चीज कंफर्म कर ली थी कि ओ का कोड क्या है गाइज ओ का कोड फोर है ठीक है ना और अगर ओ का कोड फोर है इन दोनों को कंपेयर करके हमने निकाल लिया था तो स्टाफ के नीचे स्टाफ के अंदर तो ओ है ही नहीं अगर ओ ही नहीं तो उसके जो कोड के अंदर है फोर होना ही नहीं चाहिए तो इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके जो हमारे पास ऑप्शन बचा है वो ऑप्शन डी बचा है तो जो हम स्टाफ को कोड दे सकते हैं तो वो हम थ्री वन एट थ्री सेवन ही दे सकते हैं आप देख सकते हो कि गाइज यहां पर आप लोगों को नजर आएगा कि एट यूज किया गया है एट यूज किया गया है ना तो नाइन यूज किया गया ना टू यूज किया गया ना जीरो यूज किया गया सिर्फ एट ही यूज़ किया गया है दूसरी बात थ्री टू टाइम यूज किया गया है जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फैक्टर के अंदर लेटर थे एफ जैसे है तो एफ अगर टू टाइम यूज़ किया गया एफ अगर टू टाइम यूज किया गया है तो उससे रिलेटेड जो कोड हो सकता था जो कि छः तीन पाँच एक या सात में से होता ठीक है ना उनमें से जिस भी डिजिट को वो यूज़ करता है ठीक है ना चार को छोड़कर क्योंकि चार किसके लिए डिसाइड कर लिया था हमने ओ के लिए तो बाकी के जो भी डिजिट थी ना उनमें से किसी भी डिजिट को टू टाइम यूज़ करना था तो यहां पर देख सकते हो थ्री को टू टाइम यूज़ किया गया है ठीक है ना और वन और सेवन को भी यूज़ करना है क्योंकि यहां पे जो टी है और ए है वो आपका फैक्टर के अंदर आपको नज़र आ ही रहा है टी और ए तो यहां पर आप लोगों को इस तरीके से उन डिजिट्स को प्रायोरिटी दे करके हमें अपने सही ऑप्शन को चूज करना होता है मतलब हमारे पास जो चार ऑप्शन होते हैं उनमें से तीन को एलिमिनेट करना होता है तो गाइज इस तरीके से हम एलिमिनेशन प्रोसेस पर इस क्वेश्चन को कर पाते हैं अदरवाइज इस क्वेश्चन को करने का कोई भी और तरीका आप लोगों को नहीं मिल पाता है ये एक लेटेस्ट पैटर्न है आजकल ये एग्जाम में आ रहा है पूछा जा रहा है ये एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने है तो एवरीबडी जितने भी लोग हैं इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई कीजिए ठीक है ना तो ये कुछ लेटेस्ट पैटर्न क्वेश्चन था जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया था अपनी किसी भी क्लास में तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्वेश्चन कह सकते हो स्पेशल लॉजिक कह सकते हो मैं लेकर के आया हूं ताकि आप लोगों का यार ये भी कवर हो जाए ये भी ना छूटे हर चीज कवर होनी चाहिए ये भी आपका छूटना नहीं चाहिए तो विक्रम युक्ति आशीष कंप्लीट रीजनिंग कहाँ से पढ़े तो आशीष आप लोग एस एग्जाम का सब्सक्रिप्शन ले करके वहाँ पर भी पढ़ सकते हो और मेरी जो क्लास होती है वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर शाम को सात बजे वहाँ से भी पढ़ सकते हो किस एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है सभी एग्जाम की प्रिपरेशन हो रही है अंकिता चलो बताओ ये लेटेस्ट पैटर्न है बेटा ये लेटेस्ट पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग का लेटेस्ट पैटर्न लॉजिक है मतलब आजकल ये ट्रेंड में है अगर आप लोगों ने इस तरीके के क्वेश्चन नहीं किए हैं तो गाइस आप लोगों ने मतलब अभी कुछ मिस किया हुआ है ठीक है ना अब हिंदू को लिखा है सिक्स वन टू फाइव सेवन ठीक है और मैन को लिखा है मैन को क्या लिखा है मैन को लिखा है नाइन टू फोर लिखा है मैन को क्या लिखा है नाइन टू फोर और हमें बताना है इंद्र का कोड क्या होगा मेरे पास अभी कुछ दिनों पहले कुछ स्टूडेंट्स के मतलब कह सकते हो कि मैसेजेस आए तो उनके पास सर कहते सर हमने कोडिंग रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन ये क्वेश्चन हमारे क्रैक नहीं हो पा रहे कारण क्या है तो गाइज़ आप सभी के लिए एक शानदार ये वीडियो जो बनाई गई है बनाई जा रही है तो इसके अंदर पर्पज़ यही है कि आप लोग जो है ना आप लोग जो है ये ये जो लॉजिक है ईच एंड एवरी देखो जितने ज्यादा लॉजिक आपको पता होंगे उतना ही चांस होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक होने का ठीक है ना तो क्या आप इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते हो देखो हिंदू में और मैन में अगर हिंदू में और मैन में बात करें तो हमारे पास एक लेटर कॉमन है कौन सा लेटर कॉमन है हमारे पास एन कॉमन है और आप लोग फिर देखेंगे कि एक डिजिट भी कॉमन है कौन सी डिजिट कॉमन है तो यहां पर आपको टू नजर आ रहा है यहां पर आपको टू नज़र आ रहा है आप देख सकते हो नाइन और फोर दोनों में कॉमन नहीं है तो हमने इन दोनों को कंपेयर करके एक चीज़ तो कन्फर्म कर ली है के एन के लिए तो टू होगा किसके लिए एन के लिए तो टू होगा इतनी बात समझ में आ गई और बचा जो एम और ए है बचा जो एम और ए है एम और ए में हमारा जो कोड बनेगा वो या तो नाइन होगा या फोर होगा एम के लिए नाइन होगा या फोर होगा सेम ए के लिए नाइन होगा या फोर होगा सेम चीज़ हिंदू में जो हमारे पास लेटर हैं एच आई डी यू उनके लिए जो लेटर के लिए जो कोड हो सकते हैं वो या तो सिक्स है या वन है या फाइव है या सेवन है हम नहीं डिटरमाइन कर सकते किसके लिए क्या है हम नहीं डिटरमाइन कर सकते किसके लिए क्या है तो ऐसे हम कुछ लोग कुछ जो है ना कुछ ऐसा दिमाग लगाते हैं ठीक है अब देखो गाइज यहां पर हमारे पास एन है अच्छा एक बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे एन के नीचे टू है तो जरूरी नहीं है यहां पे भी एन के नीचे टू हो ये कोई जरूरी नहीं है तो जरूरी नहीं है एन के नीचे टू हो लेकिन जरूरी है कि इस कोड में टू वन टाइम यूज जरूर किया गया हो ठीक है ना जो भी हम आंसर कर रहे हैं उसके लिए उसके अंदर टू तो आना ही आना चाहिए और टू कितने टाइम आना चाहिए वन टाइम ही आना चाहिए क्योंकि एन कितने टाइम है इंदिरा में वन टाइम ही है तो गाइज क्या हमारा पहला ऑप्शन आंसर हो सकता है हो भी सकता है दूसरा भी हो सकता है तीसरा भी हो सकता है चौथा भी हो सकता है क्योंकि सभी के अंदर टू जो है वन टाइम यूज किया गया है अब बात करते हैं एम और ए की किसकी बात कर रहे हैं अब हम M की और A की अब M और A में से हमारे पास A की यूज किया गया है वो क्या है A एम और ए में से सिर्फ एक ही यूज़ किया गया है और वो क्या यूज़ किया गया है ए यूज़ किया गया है ahead. अगर सिर्फ एक ही यूज़ किया गया है तो नाइन और फोर में से सिर्फ एक ही यूज़ किया जाना चाहिए या तो नाइन या फिर फोर ठीक है ना ए के लिए या, या तो नाइन या फिर फोर तो गाइज अगर किसी ऑप्शन में फोर टू टाइम आ गया फोर टू टाइम आ गया उसको एलिमिनेट कर दिया नाइन और फोर दोनों या नाइन टू टाइम आ गया उसको एलिमिनेट कर दिया जिसके अंदर अपना नाइन और फोर आ ही ना, नहीं रहा हो उसको भी एलिमिनेट कर दिया लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बच गया हमारा कौन कौन सा ऑप्शन बच गया ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो या तो हमारा आंसर ऑप्शन सी है या हमारा आंसर ऑप्शन डी है गाइस बिल्कुल या तो हमारा आंसर ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है चलिए बता सकते हो कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो एलिमिनेट हो जाता है क्यों हमारा ऑप्शन डी है वो एलिमिनेट हो जाता है वो क्यों हो जाता है क्या आप बता सकते हो एनीबडी ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं है हमारा आंसर ऑप्शन सी है देखो हमने ए और बी को क्यों एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमें पता है ए के लिए जो कोड है वो या तो नाइन है या फोर है ठीक है ना जैसा कि हमने कभी कंपेयर करके डिसाइड किया तो ए के लिए अगर नाइन या फोर है और ए वन टाइम है एम यहां पे है नहीं तो नाइन और फोर में से कोई भी एक ही डिजिट होनी चाहिए अगर फोर टू टाइम दे दिया तो एलिमिनेट नाइन टू टाइम दे दिया या 9 और फोर दोनों दे दिए तो एलिमिनेट ठीक है इन दोनों ऑप्शन के अंदर फोर सिंगल टाइम है तो ये चलेगा इन दोनों को ही हम कंसिडर कर रहे हैं लेकिन हमने ऑप्शन डी को एलिमिनेट कर दिया क्यों क्योंकि गाइज यहां पर आपके पास आई है यहां पर आपके पास आई है और आई टू टाइम है और आई के लिए जो कोड हो सकता है हमने देखा था एच आई डी यू के लिए जो कोड बचे थे या तो सिक्स या वन या फाइव या सेवन तो गाइज आई के लिए जो भी कोड होगा या तो सिक्स होगा या वन होगा या फाइव होगा या सेवन होगा और वो टू टाइम होगा तो दैट मीन्स इनमें से कोई भी डिजिट या तो सिक्स टू टाइम हो या वन टू टाइम हो या फाइव टू टाइम हो या सेवन टू टाइम हो गाइज मैं इस ऑप्शन में देख रहा हूं कि हमारे पास ना तो सिक्स टू टाइम है ना वन टू टाइम है ना फाइव टू टाइम है ना सेवन और एक अलग ही डिजिट 8 टू टाइम है नहीं 8 नहीं मुझे सेवन या सिक्स या फाइव या वन में से कोई टू टाइम चाहिए इसलिए मैंने ऑप्शन सी को प्रायोरिटी दी ऑप्शन सी के अंदर क्या हो रहा है सेवन टू टाइम है दैट्स वाई हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ठीक है ना ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल सिमरन आई थिंक सो so, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई ठीक है तो गाइज ये क्वेश्चन आप लोगों को यस yes, बिल्कुल विक्रम आप लोग ये क्वेश्चन जो है ना विद इन सेकेंड्स कर सकते हैं ठीक है ना आप लोगों को बस प्रैक्टिस करनी होगी ठीक है तो चलिए एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बेहतर ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन है अच्छा इसका आंसर आप मुझे ऑफलाइन कमेंट में करेंगे ये भी बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी एक लेटेस्ट पैटर्न है बट ये वाला जो आंसर है आप मुझे ऑफलाइन कमेंट में बताने वाले हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है और गाइज अन इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर मेरी क्लास दो पर जिसमें मैं आपसे रैपिड ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस करवाता हूं हर रोज तो आप लोग वहां पर मुझे ज्वाइन कीजिए दीप सर कोड लगा करके आप लोग वहां पर मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं क्लास टोटली फ्री है आप लोगों के लिए ठीक है गाइस अन अकेडमी का जो प्रोफाइल लिंक है मेरा प्रोफाइल लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा अदरवाइज आप दीपांशु शर्मा नाम से मुझे सर्च भी कर सकते हैं कहीं पर भी सर्च कर रहे हैं रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा नाम से सर्च कर रहे हैं इस चैनल पर भी प्ले बनी हुई है प्ले का लिंक या तो दे रखा होगा अदरवाइज आप सर्च कर लेंगे ठीक है तो जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया एक जबरदस्त सा लॉजिक वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है तो यहां पर आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ऑफलाइन कमेंट में बताने वाले हैं कि सर क्वेश्चन थ्री का आंसर ऑप्शन ए है क्वेश्चन थ्री का आंसर ऑप्शन बी है क्वेश्चन थ्री का आंसर ऑप्शन सी है या क्वेश्चन थ्री का आंसर ऑप्शन डी है इस तरीके से आप मुझे इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में बताइएगा और साथ में आप लोग कोई ऐसा क्वेश्चन जानते हैं जिसका लॉजिक आपसे क्रैक नहीं हो रहा तो वो भी आप मुझे इस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में डाल दीजिएगा मैं आप लोगों के लिए और भी शानदार जो है ना इसी तरीके के जो आप लोगों से लॉजिक क्रैक नहीं होते ना वो लेकर के आता रहूंगा ठीक है गाइस आप शाम को छह बजे भी एक मेरी क्लास आप लोगों को इसी चैनल पर और रात को बारह बजे भी मेरी एक क्लास इसी चैनल पर मिलने वाली है ठीक है ना और मेरी जो क्लास होती है हर रोज शाम को सात बजे होती है यूट्यूब पर और वो कहां होती है यूट्यूब पर होती है गाइज वाई फाई स्टडी स्टूडियो पर तो ये मेरी क्लासेस का शेड्यूल रहता है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मुझे और कहीं भी आप लोगों को मुझे ज्वाइन करना है तो रीजनिंग बाय दीपांशु शर्मा नाम से कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो इसी नाम से आप लोगों की प्लेलिस्ट बनी हुई है इन दोनों चैनल पर इस चैनल पर भी और वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर भी रीजनिंग बाय दीपांशु सर नाम से तो प्ले आप देख लीजिएगा क्लासेस क्लासेज आप देख लीजिएगा ठीक है ना जो क्लासेस आपको अच्छी लगती हैं जो आपको पढ़ने में मज़ा आया या सीखने में अच्छा लगा तो उस वीडियो के ऑफलाइन कमेंट में ठीक है ना आप लोग एक अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस तो अन अकेडमी पर ये बड़ा जो प्यारा शानदार आप लोगों का टेस्ट होने वाला है कमिंग संडे नाइनटीन ऑफ सेप्टेंबर दोपहर बारह बजे जिसके अंदर इंडिया के जो हमारे टॉप थ्री रैंकर होंगे उनके लिए बड़ा ही शानदार स्कॉलरशिप प्लान है तो गाइज दीप सर कोड लगा करके एनरोल कर, कर लीजिएगा इस टेस्ट में और बड़ी ही शानदार बात आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए जो है ना मैंने प्लस पर यानी आप लोगों के लिए कह सकते हो अन अकेडमी पर पूरा का पूरा फाउंडेशन कोड रीजनिंग का स्टार्ट कर दिया है जो क्लास आपकी हर रोज रात को साढ़े नौ बजे होती है उसके लिए आपको एसएससी एग्जाम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोग जो है है मंथ मंथ आप आप का सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन लेकर लेकर के के दीप सर कोड लगा करके, करके ठीक ना आप ले करके चेक कीजिए पढ़ाया कैसा रहा है ठीक है ना कुछ सेशन हो चुके हैं छह सात क्लासेस हो चुकी हैं मेरा जो प्रोफाइल है प्रोफाइल दीपांशु शर्मा नाम से आपको मिल जाएगा और अभी वहां पर क्लास होने वाली है दो बचपन पर तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा सेशन अच्छा लगा गाइज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन को दबा लीजिएगा जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच टेक केयर बाय जय हिंद साथियों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में जय हिंद बाय